देखिए बेटे, नाइस डॉट ठीक द मूवमेंट क्या बेटे मूवमेंट ऑफ, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मूवमेंट का मतलब परपेंडिकुलर, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, फोर्स मतलब फोर्स। क्लियर? यानी कि आप टॉर्क को ऐसे भी बोल सकते हो बेटे, रोटेटिंग फोर्स और रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। आरी बात समझ में? देखो बेटे, जैसे मान लेते हैं ये कॉर्डिनेट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहां पे, तो इसका ओरिजिन के साथ कोई ना कोई डिस्टेंस है, दिस इज कोई डॉट। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का मास कितना है बेटे? और उस पे एक फोर्स लग रहा है, लाइक ये लग रहा है, कोई डॉट? पक्का समझ में आया? तो आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है ना, और एफ वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो देयर इज सर्टेन एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। मान लेते हैं ये, कोई डॉट? पक्का समझ में आया? मुझे चाहिए क्या? क्लियर? जिसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है इस चीज से, फोर्स से। तो इस दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फोर्स पे परपेंडिकुलर है क्या? तो फोर्स विल हैव टू कंपोनेंट, होगा या नहीं होगा? वन विल बी एफ कॉस थीटा एंड अदर विल बी एफ। एनी डॉट बेटे? क्लियर और नॉट? तो हमारे पास टॉर्क विल बी इक्वल टू आर वेक्टर, यानी आर that is now a perpendicular distance into force का ये वाला component, यानी F sin, होगा या नहीं? आप चाहते हो तो आप इसका भी torque जोड़ सकते हो, but problem ये है कि F cos theta का perpendicular distance कितना है R के साथ? Zero, zero। फिर से समझाओ क्या? क्लियर है? तो आपका टॉर्क इज इक्वल टू हो गया बेटे आर इंटू एफ इंटू साइन ऑफ। क्लियर? सी है बेटे, यर थीटा इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर है, यानी तो दो वेक्टर यूज हो रहे हैं और उसके साथ साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम यूज हो रहा है, देन इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बेटे? क्रॉस प्रोडक्ट। आर वेक्टर और एफ वेक्टर, ये दो वेक्टर यूज हो रहे हैं और उनके बीच का एंगल जो है उसका साइन यूज हो रहा है। क्लियर?
इसीलिए आप इसे लिख सकते हो कि टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस. अब ये आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर क्यों, एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्यों नहीं? तो राइट हैंड हम रूल के अकॉर्डिंग देख बेटे, कि ये फोर्स अगर मैंने लगाया इस आर्म पे, तो ये आर्म ऐसे रोटेट करेगा या ऐसे रोटेट करेगा? ऐसे रोटेट करेगा. आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है समझ में? तो देखो बेटे, आर वेक्टर ये है, तो आर वेक्टर से एफ वेक्टर की तरफ जा रहे हैं. समझ में आ रही बात? आर वेक्टर ये मत देख बेटे, ये नहीं है. एक पॉइंट पे हम दोनों वेक्टर बनाते हैं ना, यहां पर तो ये वेक्टर खत्म हो रही है. तो अगर मुझे दोनों वेक्टर को एक साथ बनाना होगा तो आर वेक्टर विल बी हियर एंड एफ वेक्टर विल बी हियर. तो आर से एफ की तरफ जा रहे हैं, दैट्स व्हाई आर क्रॉस एफ. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आगे की दूसरा चीज आप ये बोलो कि मैं एफ वेक्टर का कंपोनेंट क्यों लू? अगर ये चीज, तो ये भी तो हो सकता है ना, होगा या नहीं? अरे एफ वेक्टर ये है, हाँ. तो एफ वेक्टर का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी तो होगा ना, हाँ. हमने अभी f को दो कंपोनेंट में लिया, r को नहीं चेंज किया. सेकेंड पार्ट में ये भी तो हो सकता है कि मैं r को ही चेंज कर लूं, तो r का एक कंपोनेंट ये होगा और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? ये होगा. अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा. तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90. तो आर का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? आर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा. और आर का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? आर साइन 90 माइनस. समझ में आ रहा है? डॉट है. देखो बेटे फिर, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही ना, तो टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. पर मैंने फोर्स को चेंज नहीं किया है, फोर्स अपनी जगह पे. तो इस पॉइंट से फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था? क्या मैं यहां पे बनाता तो ये परपेंडिकुलर होता? तो परपेंडिकुलर आते ये है. ये हो गया मेरे r cos 90 माइनस थीटा. समझ में आ रहा है या नहीं? पक्का? तो टॉर्क इज इक्वल टू हो गया r cos 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा. आगे फिर से पक्का क्लियर है कौन सा? अरे कोई डाउट है? अब जरा हम बात करते हैं. लेट्स, देयर इज, ये तो एक पार्टिकल पे बात हुई, बहुत सारे पार्टिकल की बात करें. तो मान लो कि बहुत सारे पार्टिकल, यानी एक रिजिड ऑब्जेक्ट, उसके पास इनफाइनाइट नंबर. मैं इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट करवा रहा हूं. तो मान लेते हैं कि इसके पॉइंट के अबाउट रोटेट करवा रहा हूं. ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है, ये MN, इस तरीके से. तो MN का कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर है ना, दैट इज R1. M2 का कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर है ना बेटे यहां से, दैट इज R2. M3 का R3, ऐसे ही MN का क्या हो जाएगा बेटे?
कोई डाउट है? लेट इस पर फोर्स आप इधर लगाओ, इस पे फोर्स आप इधर लगाओ F2, इस पे F3, इस पे Fn, ऐसा आपने फोर्स सब लगाया। कोई डाउट है? पक्का समझ में आ रहा है? तो क्या होगा बेटे? टॉर्क 1 दैट इज इक्वल टू R1 क्रॉस F1, यही होगा प्लस ये टॉर्क ने दिया R2 क्रॉस F2 प्लस डॉट डॉट Rn क्रॉस N, यही होगा ना। अब जरा सोच बेटे कि इस पे कोई एक फाइनल टॉर्क लगेगा तो ये सिस्टम का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा बेटे? अल्फा मान लो। तो हर पार्टिकल के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन तो सेम होगा ना। देख बेटे ये डस्ट है, इसको मैं घुमा रहा हूं, तो अगर ये पॉइंट 30 डिग्री एंगल घूम रहा है तो ये पॉइंट भी कितना डिग्री घूमेगा? 30 डिग्री। ये पॉइंट भी कितना? 30 डिग्री। अगर इसके रेट ऑफ चेंज 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका भी कितना होगा? आ रही मेरी बात समझ में ना? ये अगर एक बार घूमा तो ये पॉइंट भी बोलेगा मैं एक बार रोटेट कर चुका हूं, ये बोला भी बोलेगा एक बार रोटेट कर चुका हूं। तो अल्फा सबका सेम है या नहीं है? कोई डाउट है तो पूछ। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस पॉइंट का कितना होगा? इसे रहने दें। तो पहले वाले का टॉर्क वन, इसका फॉर्मूला क्या होगा? आई वन इंटू अल्फा होगा या नहीं? टॉर्क का फॉर्मूला आई इंटू अल्फा, यही तो बताया। इसे क्या लिखेंगे बेटे? M1 R1 का स्क्वायर हो गए, फिर टॉर्क, सॉरी इसमें अल्फा दिया है, टॉर्क 2 दैट इज इक्वल M2 इनटू R2 का स्क्वायर इनटू अल्फा, ऐसे ही होगा ना? पक्का समझ में आ रहा है? जरा हम इसके बारे में फिर से, ठीक है? ये टॉर्क क्लियर, ये क्या हो जाएगा? R1 तो R1 है, F1 की जगह पे क्या लिख सकते? F1 will be equal to M1 into A1, टॉर्क 2 ये हो जाएगा R2 into F2 की जगह पे M2 into A, A बेटे लीनियर एक्सेलरेशन अलग अलग, डॉट डॉट ये हो जाएगा Rn Mn, समझे या नहीं समझे? पक्का? ये देखिए तो टॉर्क नेट R1, M1 और A1 की जगह पे मैं R1 into alpha ये लिख सकता हूं ना, प्लस R2, M2, A2 को क्या लिख सकते हैं बेटे? R2 alpha, R2 alpha प्लस डॉट डॉट Rn, Mn, An को क्या लिख सकते हैं बेटे? Rn into alpha। पक्का समझ में आ रहा है? तो टॉर्क में देखो तो बेटे ये इसके बराबर है या नहीं, आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? ये वाला इसके बराबर है या नहीं? तो आप टॉर्क नेट इज इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 ऐसा लिखना चाहो तो वो भी प्रूफ हो गया। इससे आगे की बात करते पूरे सिस्टम की, तो इसमें से अल्फा को कॉमन ले ले, क्या बना बेटे? M1 R1 का स्क्वायर प्लस
m2 r2 by square plus dot dot mn rn by square. देख बेटे अगर एक बहुत सारे सिस्टम हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल दे? इंटीग्रेशन. तो डॉट नेट इज इक्वल टू आर फिर से समझाओ पक्का m1 r1 square plus m2 r2 square plus dot 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 mn rn square that is the moment of inertia of the whole system into alpha that is angular acceleration of the whole system. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर है कौन से कोई डॉट है? डॉट में भी समझ में आ गया होगा कि आप चाहें तो फोर्स के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस थे इस फोर्स के साथ नहीं था तो हमने क्या किया इस फोर्स को ब्रेक किया दो पार्ट में तो परपेंडिकुलर पार्ट ये है पैरेलल पार्ट ये है पैरेलल और इस आर इसके बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो इसके कारण टॉर्क जीरो इसके और इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है तो इससे टॉर्क आ गया तुम बोलो कि नहीं मैं एफ को क्यों ब्रेक करूं एफ अपनी जगह पे पर इस पॉइंट से एफ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहा है देखो तो इससे मैंने इलोंगेट किया तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बन रहा है ये रेडियस यानी कि ये डिस्टेंस है जब इनके बीच का एंगल थीटा है यही आपको गिवन होगा तो इसके जस्ट अपोजिट ये एंगल भी थीटा होगा ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा होगा इस तरीके बहुत सिंपल है बेटे ठीक है कॉम्प्लिकेट करना चाहोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट सिंपल वे में समझो ना क्या क्लियर कॉम्प्लीट फास्ट अब क्या है कि अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को तो ये ऑब्जेक्ट इसको मैंने v वेलोसिटी दी इधर के लिए तो इसका मोमेंटम क्या होगा इसी डायरेक्शन में होगा और कितना होगा क्लियर तो होता क्या है बेटे एंगुलर मोमेंटम वो होता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है फिर से मोमेंट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और फोर्स की जगह पे आ गया लीनियर क्लियर है पक्का समझ में आ रहा है चलिए जरा इस डायग्राम को देखिए फिर से वही वाली बात कि मोमेंटम का डायरेक्शन इधर ये जो डिस्टेंस है बेटे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है क्लियर मोमेंटम ऐसे है डिस्टेंस ऐसे है तो आपने क्या किया पी का कंपोनेंट लिया तो ये होगा पी कॉस ऑफ थीटा और ये हो जाएगा डी साइन तो अगर आप p sin थीटा का एंगुलर मोमेंटम निकालो तो r विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन p sin थीटा तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम को l से शो करते हैं बेटे तो l विल बी इक्वल टू r इनटू p sin थीटा हो गया नहीं प्लस p cos थीटा के कारण अगर निकालना चाहो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं दैट इज 0 इनटू p cos थीटा समझे या नहीं तो यहां पर आपका l इक्वल टू क्या हो गया बेटा r sin थीटा और यहां पे आप l वेक्टर r इक्वल टू r cos p फिर से समझाओ पक्का है अब तुमने बोला कि मैं क्यों मोमेंटम को कंपोनेंट में ब्रेक करूं मोमेंटम ऐसा ही रहेगा मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस खोजता हूं तो दिस इज द लाइन ऑफ मोमेंटम तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी दिस होगा या नहीं होगा आर फिर से अगेन ये थीटा है तो ये भी थीटा दिस विल बी 90 माइनस थीटा
this r will have two component, one component r sin 90 minus theta and r cos 90 minus theta. R cos 90 minus theta will be perpendicular to p, hai ya nahi? So us case mein aapka l will be equal to dot. So perpendicular distance ho gaya r cos 90 minus theta into p. R cos 90 minus theta ko likh sakte hai r sin theta aur ye dot ki jagah pe kya aa jayega bete m. Any dot? Kya bahut mushkil hai? Similar derivation, similar concept hai ya nahi? फिर हम बात करते हैं, ये तो एक ऑब्जेक्ट की बात है. मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट का एक सिस्टम या फिर एक रिजिड बॉडी लेता हूं. तो यहां m1, यहां m2, ये m3, ये mn, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है. तो यहां से इसका डिस्टेंस r1, r2, r3, rn ऐसा. अब मान लो कि इस ऑब्जेक्ट को आपने v1 वेलोसिटी, इसको v2 वेलोसिटी, इसको v3 वेलोसिटी, इसको vn वेलोसिटी, समझ में आ रहा है ना? बट इसका एंगुलर वेलोसिटी ये क्या रहेगा? सेम रहेगा. फिर से समझाऊं क्या? अरे ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट पता है ना कि इसका डिस्टेंस कम है बट ओमेगा सेम है, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होंगी, यहां वाले की कम होंगी, यहां वाले की क्या होंगी? सबसे ज्यादा होंगी. देखो ये अगर यहां से ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसने जो डिस्टेंस कवर अप किया है वो इतना किया है, इसने सिर्फ इतना ही किया है, ये वाले ने बिल्कुल इतना ही किया है. तो सबकी वेलोसिटी क्या है? डिफरेंट है, बट सबका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा या नहीं? अगर ये चीज रोटेट कर रहा है ऐसे, तो देख, तो ये वाला पॉइंट यहां से यहां यानी इतना डिस्टेंस, बीच वाला यहां से तो सिर्फ इतना डिस्टेंस, ये वाला इससे भी कम इतना, तो सबकी वेलोसिटीज क्या है? अलग अलग, बट सबकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होंगी बेटे? सेम होंगी. तो अगर मैं इसका लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिलेशन अगर देखना चाहूं, तो क्या रिलेशन है? L इज इक्वल टू आर इंटू, यही है ना? तो इसके बारे में सोच, इसका ये हो जाएगा L1 दैट इज इक्वल आर वेक्टर क्रॉस थ्री वेक्टर, हो गया या नहीं? कोई डाउट है क्या? L2 वेक्टर ये किसके बराबर हो जाएगा? R2 वेक्टर क्रॉस T2 वेक्टर, इस तरीके से. LN वेक्टर ये किसके बराबर हो जाए? आर एन वेक्टर क्रॉस टी एन वेक्टर, ऐसा ही होगा. कोई डाउट? देख बेटे, तो मैं एल नेट अगर निकालना चाहूं तो क्या करूंगा? ये इन सबको ऐड करूंगा. कैसे ऐड करूंगा बेटे? आर वन इंटू टी वन को लिख सकते हैं एम इंटू वी वन, या फिर M1 V1 ऐसे लिख सकते हैं. हो सकता है मास सबका अलग अलग है, लिया भी है हमने M1 M2 इस तरीके से, प्लस R2 इंटू M2 इंटू V2 प्लस डॉट डॉट कर दिया. RN इंटू MN इंटू VN, याद कर बेटे वेलोसिटी का रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी के साथ कैसा था बेटे? लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इनटू आर वेलोसिटी.
एल नेट दैट इज इक्वल टू आर वन एम वन और वी वन की जगह पे लिख सकते हैं आर वन इंटू ओमेगा क्योंकि ओमेगा तो सब में सेम है प्लस आर टू एम टू वी टू को क्या लिख सकते हैं आर टू इंटू ओमेगा प्लस डॉट डॉट ये हो जाएगा आर एन एम एन और वी एन को लिख सकते बेटे आर एन इंटू ओमेगा समझ में आ रहा है क्या हुआ बेटे देखो तो एल नेट दैट इज इक्वल इसे लिख सकते बेटे ओमेगा इंटू एम वन आर वन का स्क्वायर दूसरे वाले को क्या लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एम टू इंटू आर टू का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ये हो जाएगा बेटे ओमेगा इंटू एम एन इंटू आर एन का स्क्वायर तो एल नेट विल बी इक्वल टू ओमेगा को कांस्टेंट बाहर ले ले ये बच गया बेटे एम वन आर वन का स्क्वायर प्लस एम टू आर टू का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एम एन आर एन का स्क्वायर याद कर बेटे एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर डॉट डॉट एम एन आर एन स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा ओमेगा आई समझे या नहीं समझे क्लियर है या नहीं है क्लियर है आगे की बात देखते हैं हम dl अपॉन dt निकालना चाहते हैं क्या निकालना चाहते हैं dl अपॉन dt तो क्या होगा बेटा d by dt of l l की जगह पे क्या लिख सकते हैं ओमेगा इनटू r चलो इस केस में ओमेगा कांस्टेंट था तो डी ओमेगा बाय डीटी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो दिस इज द केस इन विच एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट है ना एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो क्या उस पे कोई टॉर्क लग रहा है लग रहा है अगर इस पे कोई टॉर्क लगता है तो इस पे एक्सीलरेशन होता या नहीं होगा तो अगर डी ओमेगा बाय डीटी की बात करें तो इसका वैल्यू हो जाएगा ये होगा आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी और डी ओमेगा बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इसे क्या नाम देते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन तो ये होगा बेटे डी एल बाई डी टी दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा है ना और आई इंटू अल्फा किसके बराबर होता है डॉट तो हम वहां पे पढ़ते थे एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी यहां पर क्या पढ़ते हैं टॉर्क इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी ये चीज भी समझे या नहीं समझे